जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी, चलो बढ़िया चल रही चाहिए, है ना। हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है हमारा जियोलॉजी। भूगर्भ विज्ञान, जूलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। चैप्टर क्या चल रहा है हमारा? भूगर्भ विज्ञान, जूलॉजी। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा वो चट्टानों के बारे में पढ़ा, ठीक है। जैसे इग्नियस रॉक का क्या मतलब हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक का क्या मतलब हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या मतलब हुआ, किन रॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि देखो डायनासोर के कंकाल तंत्र भी पाए गए, कोई पक्षी था उसके भी कंकाल तंत्र पाया गया, कछुआ है उसका कंकाल तंत्र पाया जा रहा है, लेकिन हर रॉक्स में नहीं पाया जाता। जैसे इग्नियस रॉक, अग्नाशय या इग्नियस रॉक, उसके अंदर हमने देखा कि भाई कुछ भी नहीं पाया जा रही ऐसी चीजें, तो कंकाल पंकाल सब जल के भस्म हो गया। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें ये चीजें पाई जा रही है। एक है जिस कहाँ कहीं कोयला पाया जा रहा है, कहीं पेट्रोलियम पाया जा रहा है, क्या चीजें। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो किस तरीके की है, जो उस पर चट्टाने हैं उनका नेचर कैसा है। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ रहे थे। चट्टानों के बारे में हमने पढ़ लिया था, आज देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत हो सकते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया। आज देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सर्वप्रथम प्रयास स्वेज महोदय ने किया। ठीक है, सबसे पहले प्रयास की भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इसको बताने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? स्वेज महोदय ने किया। इस बात का पता होना चाहिए हमें। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई देखो इन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं पृथ्वी की संरचना को तीन भागों में बांटता हूं। पृथ्वी को तीन भागों में बांटा, पहला, दूसरा, तीसरा। तीन भागों में बांटा, वो तीन भाग कौन से? श्याल सीमा निफे, श्याल सीमा निफे, श्याल सीमा निफे, तीन भागों में बांटा किसने? स्वेज महोदय ने। सर्वप्रथम प्रयास किया बताने का कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि भाई मैं पृथ्वी को तीन भागों में बांटता हूं, पृथ्वी को तीन भागों में बांटता हूं, तीन भागों में बांटने का काम किया। सेकंड रुकना, तीन भागों में बांटने का काम किया, श्याल सीमा निफे। श्याल सीमा निफे, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। श्याल सीमा निफे, इन्होंने बोला कि जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है,
जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, भूपट्टी भी कहते हैं, कहा कि वो हिस्सा जो है उसका नाम है सियाल। अंदर वाले का नाम है सीमा, कोर वाले का नाम है निफे। ठीक है, इन्होंने तीन भागों में बांटा, सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे। इतनी बात हुई क्लियर? पहले बताओ इतनी बात क्लियर हुई? बात हुई क्लियर? इन्होंने कहा कि जो सियाल है वो सीमा पर, जो सियाल है वो सीमा पर, जैसे बैरिंग देखा, बैरिंग भाई जिसको पटली बनाते थे, या उसकी एक तरीके से कहा गाड़ी बनाते थे, उस पर चलते थे, जो साइकिल में बैरिंग लगा होता है, बैरिंग इस तरीके से होता है, बैरिंग बीच में छल्ले होते हैं, बीच में एक और गोला होता है, इस तरीके से बैरिंग। उन्होंने भी ऐसे कुछ हिसाब कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखो जो सियाल है वो सीमा पर स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से, इनके दोनों के बीच में घर्षण नहीं है, सियाल और सीमा के बीच में घर्षण नहीं है, एक दूसरे पर ऐसे चिपके हुए नहीं है। ठीक है, उन्होंने सबसे कोर वाला हिस्सा उसका नाम है निफे। इन्होंने ये बात कही सियाल सीमा निफे की बात कही, इन्होंने कहा सियाल इनका मतलब हुआ सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम सब अधिक है, और ये क्या है सबसे बाहरी, ये वाली परत जो है ये सबसे बाहरी परत है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है उसका नाम क्या है सियाल। यहाँ पे अधिकता है किसकी, सिलिका और एल्युमिनियम की, और ये सबसे बाहरी परत। आई बात सुन में? फिर इन्होंने कहा पहले सियाल ही देख ले, चलो सियाल के बारे में इन्होंने कहा क्या कि यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता है, और दूसरी बात इन्होंने क्या बात कही, दूसरी बात इन्होंने क्या बात की कि ये सबसे बाहरी है, कि ये सबसे बाहरी है। बात हुई क्लियर? ठीक है, और इन्होंने बोला इसी पर महासागर व महाद्वीप स्थित है, जो सियाल वाला हिस्सा है इसी पर ही महासागर और महाद्वीप स्थित है। महासागर और महाद्वीप स्थित है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, नदी पहाड़ महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, ये सब कुछ किस पे है सियाल पे। यहाँ पर अधिकता किसकी है, सिलिका और एल्युमिनियम की है, सबसे भारी परत है। बात हुई क्लियर? और रासायनिक रूप से यह अम्लीय है, एसिडिक। इस परत का नेचर कैसा है, एसिडिक। चलो सियाल की बात हुई कंप्लीट, सियाल की बात हुई कंप्लीट। ठीक, अगला इन्होंने बोला सीमा, इन्होंने कहा सियाल और सीमा के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इन्होंने बोला इसमें अधिकता है किसकी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, और ये क्या है मध्य परत, बीच की परत। बीच की परत कौन सी है, सीमा। बीच की परत कौन सी है, सीमा। सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है, सियाल। सबसे ऊपर वाली कौन सी है, सियाल। बीच की कौन सी है, सीमा। और रासायनिक रूप से ये रासायनिक रूप से यह छल्ले
क्षार्य है, रासायनिक रूप से ये क्षार्य है। आई बात सुन, रासायनिक रूप से ये क्षार्य है। साथ साथ लिखो, रासायनिक सौ से 200 किलोमीटर की इसकी हाइट है और इन्होंने कहा कि मैग्मा इसी क्षेत्र में है, ठीक है। जब ये मैग्मा धरातल पर आ जाता है या भूमि पर आ जाता है, इसको बोला जाता है लावा। जब तक कि अंदर अंदर है, इसको बोला जाएगा मैग्मा। कि जो मैग्मा है वो सब कहाँ है, इसी वाले हिस्से में है, ठीक है, सीमा के अंदर ही है, ठीक। तो इन्होंने बोला सियाल, सीमा, और तीसरा है निफिड़। तीसरा है निफिड़, ठीक है। इन्होंने बात की सियाल की, सिलिका एल्यूमिनियम का अधिकता है, भारी परत है, इसी पर महासागर महाद्वीप स्थित है, रासायनिक रूप से अम्लीय है। सीमा, ये सिलिका मैग्नीशियम में मध्य परत है, रासायनिक रूप से क्षारीय है, ये याद रखना, क्षारीय बताया था इसको। और ये मैग्नीशियम और मैग्मा इसी क्षेत्र में है, ठीक है। बात हुई क्लियर। तीसरा है निफिर, तीसरा है निफिर, तीसरा है निफिर, इसमें अधिकता पाई गई आयरन। इन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा क्या, निकिल और आयरन। आयरन सबसे ज्यादा है, आप मतलब फेरस होता है ना, तो निकिल और आयरन की अधिकता पाई जाती है किसमें, केंद्र में या निफे में। तो इन्होंने किस हिसाब से बढ़ा था, सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे, ये क्या है सबसे केंद्र वाला भाग, सबसे अंदर की परत, सबसे अंदर की परत, और उन्होंने कहा ये कैसी अवस्था में है, तरल अवस्था में है, और क्या कहा, केंद्र वाला भाग है, तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है, और क्या कहा कि इसका घनत्व सबसे अधिक है, डेंसिटी है बहुत अधिक है इस वाली, ठीक है। तो स्वेज महोदय पहले ऐसे शख्स रहे कि जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया, ठीक है। उन्होंने बताया कि वे देखो पृथ्वी की संरचना ऐसी है, जैसे सियाल सीमा निफे, तीन हिस्सों में उन्होंने बांट दिया। सबसे ऊपर वाले हिस्से को उन्होंने बोला सियाल, बीच वाले को बोला सीमा, सबसे अंदर वाले को बोला निफे। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता बताई, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता बताई, और निफा में निकिल और आयरन की अधिकता बताई। ये बात होती है कंप्लीट पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर। बात हुई क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर इसके बाद आधुनिक जो भूगोल वेत्ता रहे, उन्होंने भी प्रयास किया बताने का, क्या कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। लेकिन इसी बीच में एक बात और समझ में आती है कि हमें ये तो पता चले कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। चलो ये बात आपने बताया कि तारे वाली बात बता दी थी, वैसे हुई। चलो अब ये महाद्वीप बटे हुए हैं, ये महाद्वीप ऐसे ही क्यों बटे हुए हैं, क्या कारण है क्या नहीं है, इस बारे में भी डिबेट होनी शुरू हुई। तो इस बारे में जब डिबेट शुरू होनी शुरू हुई तो आया वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई किसकी, वैगनर के सामने, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने इसके जरिए पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे वैगनर के सिद्धांत को, बताएगा कि महाद्वीप ऐसे ही क्यों है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या प्लेट टेक्टोनिक्स, फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या अर्थक्वेक, उसके जरिए हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में पता चला, फिर वॉल्केनो जिसके जरिए हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में और अच्छे से पता चला, ठीक है। तो लिखो इस आगे देखते हैं, अब हम जियोलॉजी में ही पृथ्वी की संरचना के बारे में ही वैगनर का महाद्वीपीय
विस्थापन, सिद्धांत, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। बात हुई क्लियर? समझो बात को। तो बात ऐसी है कि वैगनर जो था वो, उसे घूमने का बड़ा शौक, वो घूमा। उसने कहा कि नहीं, ज्योग्राफी पढ़नी हो तो ऐसे नहीं पढ़ो कि बैठे हो मैच मेज पे, किताब ले ली और पढ़ने बैठ गए। ना 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 ना, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद जाओ, अपनी आंखों से देखो, फिर उस चीज के बारे में जानकारी हासिल करो। ठीक है, वैगनर निकला। जब वो गया तो उसने देखा, जैसे वो रशिया वाले हिस्से में गया, उसने रशिया वाले हिस्से में गया, वहां देखा तो वहां कोयला बहुत ज्यादा है। उसने बोला, यार कोयला यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं, ठीक, जलवायु ऐसी नहीं, ठीक, अब यहाँ कोयला कहाँ से आया? अब परेशान कि भाई यहाँ कोयला कैसे आया, ना तो यहाँ की जलवायु उसको प्रमोट कर रही है, ना कुछ है। और भी जगह गया, वहां उन्होंने और चीजें देखी। उसने बोला कि जिस तरीके की यहाँ की जलवायु है, जिस तरीके का यहाँ की संरचना है, उस हिसाब से जो चीजें यहाँ मिल रही हैं या नहीं मिलनी चाहिए, कैसी मिल रही है। उन्होंने बोला भाई, दो चीजें हो सकती हैं, या तो जलवायु अलग रही हो इस क्षेत्र की, ऊपर जो इलाके हैं वहां ठंड की जगह गर्मी पड़नी शुरू हो गई, और इक्वेटर पे जो है वो ठंड पड़नी शुरू हो गई हो, पोल पे गर्मी पड़नी शुरू हो गई हो, और इक्वेटर पर ठंड पड़नी शुरू हो गई, ये चीज हुई हो। तो वैगनर बोले, ना ऐसा तो होने हो ही नहीं सकता, ये तो साइंस के बात खिलाफ हो जाएगी। तो उसने बोला कि दूसरी चीज हो सकती है। लोगों ने कहा, क्या? उसने बोला कि भाई एक चीज हो सकती है कि जैसे आज नॉर्थ अमेरिका में यहाँ नजर आता है, साउथ अमेरिका यहाँ नजर आता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ नजर आता है, हो सकता है ये ना यहाँ पे ना हो, हो सकता है कि पूरा लैंड मास एक ही भाग हो, पानी अलग भाग हो। अब लोग हैरान कि क्या क्या ये। उसने बोला कि देखो, मैं समझाता उसने बोला कि देखो, मैं समझाता हूँ, उन्होंने कहा भाई समझाओ। उसने बोला कि देखो, बात है ऐसी, तो बोले बताओ भाई कैसी। उसने बोला, ये पृथ्वी डायग्राम बनाया साथ साथ, ये पृथ्वी, उन्होंने कहा ठीक है। उसने बोला कि भाई देखो, ये वाला हिस्सा जो है ये है, महाद्वीप वाला भाग, और ये है महासागर वाला भाग। कि जो पूरा महाद्वीप था वो एक ही था। उसने बोला अच्छा, और उसको नाम दिया पेंजिया। और जो महासागर था वो भी एक था, उसको नाम दिया पेंथलासा। पेंथलासा। उसने बोला ठीक, कोई दिक्कत की बात? उसने बोला नहीं। बोला कि कुछ घटनाएं ऐसी रही जिसके जरिए क्या हुआ कि ये पेंजिया जो था ये टूटने लगा। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने बोला देखो, ये पृथ्वी साथ साथ बनाते हुए रहना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। उसने बोला पृथ्वी? उन्होंने कहा, एक हिस्सा ये टूटा, एक हिस्सा ये टूटा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई देखो, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा है अंगारा लैंड, ये वाला हिस्सा है गोंडवाना लैंड, ठीक है। उन्होंने बोला बात ठीक है, अब बताओ क्या 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 करा जाए। उन्होंने बोला भाई देखो, बात तो तुम ठीक बता रहे हो और सब कुछ नजर भी ठीक आ रहा है। उन्होंने बोला, एक सेकंड रुकना, ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड, बीच नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, जो इस सागर वाला हिस्सा वाला ये हुआ टेरिटरी,
आगर उसने बोला ठीक है, जहाज हिमालय है, उन्होंने बोला ठीक है अब क्या किया जाए। मैंने बोला कि जो अंगारा लैंड है ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, गोंडवाना लैंड है ये भी ऊपर की तरफ चलनी शुरू हुई। उन्होंने बोला प्रूफ बताओ, उसने बोला देखो उसने बोला देखो पृथ्वी इस तरीके से है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये क्या है यूरोप, ये एशिया, ये इंडिया, ये अफ्रीका, नीचे ये सब। बोला हाँ ठीक है देखो ऊपर वाले क्या है सर। उन्होंने क्या ऊपर ऊपर यहाँ देखो यहाँ आपको कोयला मिलेगा लेकिन यहाँ की जलवायु कोयला बना ही नहीं सकती, आज के समय में पेड़ नहीं इतने ऊंचे ऊंचे तो यहाँ भाई। उन्होंने अभी बात सही है, अभी क्या करा जाए। कहा देखो बात को समझो, ये सब एक हिस्सा रहा होगा जिसको हमने पेंजिया किया, महासागर पेंथालासा कहलाया, इसमें टूटा अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में, अंगारा लैंड ऊपर की तरफ चलने लगा, इससे बने क्या नॉर्थ अमेरिका यूरोप एशिया, गोंडवाना लैंड जिससे बने क्या साउथ अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ये वाला भाग गोंडवाना लैंड से बने। उसने बोला ठीक, तो ये हो गई बात। दिक्कत आई यहां तक किसी को, कोई दिक्कत आई यहां तक किसी को, किसने क्या कहा, क्या कहा इसने कहा कि ये जितने भी ये आज दुनिया दिखाई देती है इस तरीके से थी, ये टूट के इस तरीके से हुई है ठीक। एक बात और पूछी गई इससे, इससे पूछा गया कि भाई ये बताओ क्या कारण रहे, क्या कारण रहे कि ये पेंजिया टूट गया, क्या कारण रहे कि ये पेंजिया टूट गया, पेंजिया टूट गया। पेंजिया टूटने के कारण इसने बताया कि भाई दो बल हैं जिनके कारण ये पेंजिया टूट गया, नंबर एक नंबर दो। उन्होंने बोला नंबर एक क्या है, उसने बोला कि मैं तुम्हें ये तो बताऊंगा ही टूटा क्यों, क्यों कैसे टूटा, क्यों टूटा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये क्यों महाद्वीप वाला भाग उत्तर की तरफ जाना शुरू हुआ, क्यों ये वाला भाग पश्चिम की तरफ जाना शुरू हुआ। भाई उसने बोला दो बल थे जिनकी वजह से ये टूट गया पेंजिया और ये अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में बना और ये चलना शुरू हुआ उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ चला। इसके पीछे भी एक बल ने काम किया, उत्तर की तरफ चला इसमें भी एक बल ने काम किया। उसने बोला कि पश्चिम की तरफ जो चला इसके पीछे जो बल काम करा वो था ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। एग्जाम्पल किसकी, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य। इसने कहा कि चंद्रमा और सूर्य के कारण इतना ज्वारीय बल लगा कि ये पेंजिया टूटा भी और टूटने के बाद ये पश्चिम दिशा की ओर इस तरीके से चलने भी लगा। उसने कहा ठीक है, उसने कहा कि लेकिन देखो तुम ये बात नहीं बता पाए कि महाद्वीप जितने भी हैं ये ऊपर की तरफ ज्यादा क्यों है, उत्तर की तरफ ज्यादा क्यों। तो उसने कहा कि लो ही अभी बता देते हैं। तो उसने कहा बताओ, तो उसने बोला उत्तर की तरफ जो है वो इस वजह से है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण
बल कि गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है जिसकी वजह से जितने महाद्वीप है सब ऊपर की तरफ चलने शुरू हुए। ठीक है, इसलिए बात कही भी जाती है कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है, आज भी वो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। आई बात सुन, बात हुई क्लियर? बात हुई क्लियर? चलो साथ साथ लिखते भी रहना। ठीक, अब कोई बात अगर कहता है तो तर्क होना चाहिए। भाई दो चीजें होती है, जैसे तुमने कह दिया ये चोर है, वो चोर है, तुमने तो कह दिया। सामने वाला कहेगा तूने चोरी करते हुए देखा, तेरे पास कोई प्रूफ है तो बता, नहीं है तो वो क्या करेगा, मानहानि का केस करेगा, तुमको पटकेगा, पीटेगा, दौड़ाएगा। मतलब कुछ भी कह रहे हो तो जब कहो जब तुम्हारे पास प्रूफ हो, अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो सच को भी सच मत कहो भाई। सच को सच जब ही कह सकते हो जब तुम्हारे पास प्रूफ है। आई बात समझ में? बिना प्रूफ के कुछ को कुछ कहोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो इससे भी यही कहा कि चल तूने कह तो दिया भाई, अब ये बता तेरे पास तर्क क्या है अपनी इस बात को साबित करने के लिए। तर्क पहला जिग्स ऑफ फिट, जिग्स ऑफ फिट। ठीक है, उसने बोला कि देखो ये ब्राजील वाला हिस्सा है, उसने कहा ठीक है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है, उसने कहा ठीक है, इसने बोला इन दोनों को मिला दो, ये देखो ये मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसने कहा ठीक है यार बात तो सही कह दी इसने। उसने बोला कि देखो यहाँ पर कुछ वनस्पति पाई जाती है वो यहाँ पे ही पाई जा रही है, लेकिन क्लाइमेट तो ऐसा है नहीं यहाँ। उसने ठीक है, और उसने बोला कि भाई देखो यहाँ पे घाना वाला इलाका है, यहाँ पे गोल्ड मिलता है, गोल्ड वाले इलाके हैं, यहाँ पे ब्राजील के पास यहाँ पे भी गोल्ड वाले इलाके हैं। तो इसने एक तरीके से जिग्स ऑफ फिट के जरिए बताने की कोशिश करी, और भी बहुत सारे तर्क दिए, जैसे जैसे इसने कहा क्या, स्कैंडिनेविया में एक लेमिंग नाम का एक जीव रहता है, ठीक है, चूहे ऐसा, लेमिंग नाम एक जीव रहता है कहाँ, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, लिख लेना स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया में रहता है। अब क्या है कि वो उन्हें पता है कि इधर की तरफ समुद्र है, लेकिन फिर भी वो क्या काम करता है, जब उनके बाद यादें बढ़ती है जाते हैं, जाते और जाके समुद्र में गिर जाते और मर जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में। अब भाई वो आत्महत्या क्यों करे, जीव आत्महत्या क्यों करे, तो इसने बताया कि वो आत्महत्या नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि जैसे बहुत समय पहले ये पूरा लैंड मास जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ है, वो इसी गलतफहमी में इधर की तरफ आ जाते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं और निपट जाते हैं। इसने एक बात में कही। ठीक, अब जब ये तर्क देखे तो चले गया, बाद में आलोचना भी हुई। आलोचना हुई, आलोचना ये हुई कि जैसे इसने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चलो बात समझ में आती है, इसने क्या कहा, ज्वारीय बल के कारण सूर्य और चंद्रमा की, तो लोगों तो एक बात आई निकल के सामने कि अगर इतना ही ज्वारीय बल हुआ तो पृथ्वी घूमनी ही रुक जाएगी भाई मेरे। उसने कहा ठीक है, और उसने कहा कि ये जिक्स ऑफ फिट की जो बात करी, ये जिक्स ऑफ फिट की जो बात करी, इसमें जो ये 800 किलोमीटर की जगह बच गई, इसका क्या फोर्स वाली बात गलत हो गई, इसकी जिक्स ऑफ फिट वाली बात गलत हो गई। तो इस तरीके से ये चीजें साबित होनी शुरू हुई। तो ये था वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो
तो आज की क्लास चलते हैं, अपने अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, और एक चीज़ का ध्यान रखो, जैसे इसके संग हुआ आपके संग ना हो, क्या हुआ तो कोई भी बात अगर कोई कहता है उसने फ्लो फ्लो में तो कह दी। जब कोई बात कही जाती है तो बाद में उस बात को परखा जाता है, लोग उस बात को ऐसे परखते हैं जैसे गेहूं को नहीं छाज में फटकते, वैसे आपकी बात को फटक के दिखाया जाता है कि कितना वजन है, और अगर बात में सच्चाई हुई तो बच गए, और अगर धोखे से वो झूठ निकला या जिस बेस पे आपने बोला उस बेस पे खड़ी ना उतरी आपकी बात, तो क्या हुआ, उस गेहूं को तो छोड़ेंगे, आपको अपने छाज में रखेंगे और फटकना शुरू कर देंगे। आगे बात समझ में? इसलिए जब भी कुछ बोलो तो पहले ये देख लो कि हाँ सच में वो बात है या नहीं, उसका कोई सोर्स है भी या नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला हाल मत कर लेना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी होल्डर हो कि कुछ भी बके जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, सामने वाला ऐसा धोएगा जैसे कपड़े। आई बात सुन, चलो तो आज की क्लास रखते हैं, आशा करता हूँ सब चीज़ समझ में आई हो।